हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके सामने सूजी के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। मैं आज आप सबको बताऊंगी कि सूजी का हलवा किस तरह से आप दानेदार बना सकते हैं। और अभी नवरात्रि आने वाला है, तो नवरात्रि में माता रानी के भोग के लिए भी सब हलवे का प्रसाद बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। हलवे को बनाने के लिए हमने एक बॉल सूजी लिया है, पौना बॉल चीनी है, पिस्ते को चॉप कर लिया है, काजू है, इलायची क्रश किया है, बादाम काट लिया है, किशमिश है और पौना बॉल ही घी लिया है। आप इससे कम का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इस कढ़ाई में लगभग 3 चम्मच के करीब अभी हम घी डालेंगे। एक बार में पूरा घी अभी हमें नहीं डालना है, लगभग 2 से 3 चम्मच ही डालेंगे। और इस घी को गर्म होने देंगे और घी के गर्म होते ही हम इस कढ़ाई में ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। पहले काजू को करेंगे और बादाम को डालेंगे। उसके बाद हम लगभग इसे कुछ सेकंड के लिए ही फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है हमें, हल्का सा कलर चेंज होने तक करना है। इससे हलवे का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है जब आप ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके डालते हैं। और अब हम इसे निकाल लेंगे। उसके बाद हम उसी कढ़ाई में एक बाउल सूजी डाल देंगे और सूजी को हम इसमें रोस्ट करेंगे। लगभग 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। हमें इसे लगातार चलाते ही रहना है, बहुत ज़्यादा कलर चेंज होने तक नहीं करना है, हल्का ब्राउन कलर का हो जाए। अब देखिए हमारा हलवे का सूजी का कलर चेंज हो गया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हमें इसे रोस्ट नहीं करना है। अब हम दूसरी कढ़ाई में लगभग 2.5 बॉल पानी लेंगे। एक बॉल हमने सूजी लिया था तो उसकी जगह हम 2.5 बॉल पानी लेंगे। इससे ज़्यादा हमें पानी का यूज नहीं करना है। और हमें शुगर का सिरप तैयार करना है, हमें चाशनी जैसा नहीं बनाना है, बस शुगर का सिरप तैयार करना है। 2.5 बॉल पानी लिया और हमने 3/4 बॉल इसमें चीनी ले लिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी की मात्रा को कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। और इलायची डाल दिया हमने क्रश किया हुआ, और इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसको चाशनी नहीं बनाना है, बस हल्का सा चीनी घुलने तक हमें इसे पकाना है। चीनी मेल्ट हो गया है, एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं कुक करना है। और अब हम इसमें रोस्ट किया हुआ सूजी डाल देंगे और गैस का फ्लेम अभी हमें लो ही रखना है। और सूजी के डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और जैसे जैसे सूजी हमारा इसमें कुक होने लग जाएगा तो इसमें से छींटे आने लगेंगे। आप देखिए इस तरह से होता है, तो हमें फेस को बिल्कुल अलग ही रखना है, दूर रखना है, नहीं तो कभी कभी ये फेस पर आने भी लग जाता है। और अब हम इसमें फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, काजू बादाम डाल देंगे और किशमिश भी डाल देंगे हम इसमें। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और उसके बाद जो हमारा बचा हुआ घी था उसे हम थोड़ा थोड़ा करते करते डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे हमारे हलवे का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप ज़्यादा घी खाना नहीं पसंद करते हो तो आप घी की मात्रा को कम भी रख सकते हैं, पर बाद में घी डालने से हलवा बहुत टेस्टी बनता है। और इस तरह के प्रोसेस में हलवा बहुत दानेदार भी बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हलवा हमारा तैयार होने लगा है और ये पैन को छोड़ने भी लगा है। तो अब हम हलवे को सर्व कर लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा हलवा तैयार हो चुका है। हलवे को हमने प्लेट में निकाल लिया है, अब हम पिस्ते से इसे गार्निश कर लेंगे। इससे ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो लग रहा है ना दोस्तों, ये अच्छा बहुत। तो फ्रेंड्स, सूजी का दानेदार हलवा हमारा बनकर के तैयार हो चुका है। इसे आप नवरात्रि में माता रानी के भोग के लिए तैयार कर सकते हैं घर में।
और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।